हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल रात की बात है, हो गया एक बहुत बड़ा कांड। कांड क्या हो गया? मेरी और मेरी मिसिज की थोड़ी सी नोकझोंक होगी। नोकझोंक किस बात को लेके होगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे रात नींद भी नहीं आई इन नोकझोंक में। क्योंकि अगर हम आपस में अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर पाते तो दोनों डिस्टर्ब रहते हैं। और नोकझोंक किस बात पे होगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। उसके लिए मैं चलता हूँ रसोई में। ये देखिए नोकझोंक किस बात पे होगी, जो रात के बर्तन थे झूठे वो रात को ही धुलने चाहिए। तो मैंने बोला कि ये बर्तन रात को ही धो दो, कह रहे कि ना आज तो मैं बहुत थक गई। तो ये सबसे गलत बात होती है, जो रात के झूठे बर्तन होते हैं वो रात को ही धुलने चाहिए, ना कि सुबह को। ज्यादातर मैंने देखा है आलस में या थकान की वजह से रात को बर्तन नहीं धुलते कई घरों में, जो कि गलत होता है। तो इसलिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, जो रात के झूठे बर्तन होते हैं वो रात को ही धुलने चाहिए। ये तो शुक्र है मैंने मम्मी को नहीं बताया, अगर मम्मी को पता लग जाए कि रात के बर्तन हैं तो इसकी पक्का क्लास है। तो इसी बात को लेकर छोटी सी हमारी एक बहस होगी, और बहस पे बस आपको पता ही है, औरतों का पता नहीं 5 साल पहले, 2 साल पहले या साल पहले सारी गलतियां गिनवा देंगे आप, ऐसे ये यार वो पता नहीं क्या क्या। मगर चलो कोई बात नहीं, टाइम आता है इसका, आज टाइम आया, बोलती रही कोई बात नहीं। और ये देखिए अब ये बात नहीं कर रही, ये लगी पड़ी बस अपने काम में। भाई काम कहीं तो लिए ला रखी तुमने मुझे यहाँ से, इंसान थोड़ा ही हूं मैं, मशीन ही तो हूँ, थकूं थोड़ा ही ना मैं। नहीं, मैं ये तो मानता हूँ कि ये काम बहुत ज्यादा करती है। नहीं मैं कहाँ करती, अगर मैं काम करती हूँ बर्तन ना धोती मैं। लेकिन फिर वही बात है, वही मैंने बात ये है, बोला था 10 मिनट रेस्ट कर ले, मैं चाय दे दूंगा, उसके बाद बर्तन साफ कर लिए, दूध तो पीती है ना, मैं दूध बोल दिया था कि दूध हम मैं बना रहा हूँ दूध ना, और फिर उसके बाद कब बर्तन बनाया धो था दिए। फिर दूध? मैंने नहीं बना पहले के दिया था दूध भी आपको, मतलब लड़ लो और फिर उसके बाद क्या फायदा, फिर पहले तो लड़ाई कर लो फिर उसके बाद दूध दे दो, ऐसे नहीं होता ना। आप भी तो पहले लड़ लो फिर चाय दे दो। नहीं मैंने ये बोला था बर्तन साफ कर ले, रात के झूठे बर्तन रात देखो को जी ही मैं साफ बता करने रही चाहिए। बात क्या थी, कल सुबह सुबह से मैं उठी थी, रात तक मैं जुगी तू लगी रही, आपको पता है कि उधर से आ गए थे बहन, आ गई थी जीजा जी बच्चे, अब जेठ अपने भी जेठानी बच्चे हैं सारे, जेठ जेठानी जेठ जीजा जो भी है सब थे, अपने भी बच्चे हैं। रात को हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैंने रोटी भी जबरदस्ती खाई, खिचड़ी बनाई थी वो भी जबरदस्ती खाई, इतनी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उठकर अपनी प्लेट रख दूँ, उस पर ये नुसीर हो रहे कि बर्तन मान, नहीं तो मम्मी को बताऊंगा, बता दो जाओ अपनी मम्मी को, थक तो मैं रही थी, मम्मी थोड़ा ही थक रही थी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि चाहे 10 मिनट रेस्ट कर लो उसके बाद बर्तन। जब नहीं हिम्मत पड़ रही थी, वैसे नहीं मैं रोज करती क्या, यूं बताओ, रोज छोड़ के लेट हो गया मैं सुबह को बर्तन। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, इसको ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा, भले ही चाहे मुझे साफ करने हो, अरे अगर तू आराम से इतने तसल्ली नहीं, से कहती तो मैं कर देता, चलो तो मैं कह तड़क रही भड़कते बर्तन हुए। तो अब हाँ भी पड़े हैं प्यारे पति देव किचन नहीं, में, अब बर्तन मैं पड़े हैं धो लियो। ना धो लिया, अब मैं करूंगा हाँ पूजा अग्नि, पाठ। तो जी पूजा वगैरह करके चाय पी के ये चले गए थे बुटीक पे, थोड़ा सा गुस्सा थे लेकिन इतना नहीं थे। तो उसके बाद मैं नहाई धोई हूँ, नाश्ते में हमने बनाई थी मैगी, बच्चे बोलने लगे कि मम्मा मैगी बना दो, तो यहाँ पर मैं नाश्ते के बर्तन धो रही हूँ। और आज जो कपड़ों की मशीन है वो मैंने किचन में ही लगा ली है, क्योंकि मुझे बाथरूम और किचन के बीच में भागना पड़ता था, और इसीलिए बस मैंने फिर किचन में ही मशीन लगा ली, जिससे कि जो काम है मेरे किचन के भी साथ के साथ होते रहे और कपड़े भी धोए जाएँ। तो कपड़े धोने के बाद मैं मशीन में ही निचोड़ रही हूँ उनको, क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई ऐसी सुविधा नहीं है जहाँ पर मैं आराम से कपड़े निचोड़ सकूँ। खैर कोई नहीं, तो कपड़े निचोड़ने के बाद मैं इनको करूँगी ड्राई, क्योंकि कपड़े 2-3 दिन के हो गए थे, नहीं धो पाई थी मैं, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पर बस मैं कपड़ों को ड्राई करूँगी और जो सूखते जाएंगे उनको साथ के साथ फैला दूँगी। तो लीजिए जो कपड़े सूख गए हैं उनको मैं फैला रही हूँ बाहर, और बाहर जो है मैंने ये जो तार है ये थोड़े से दोबारा बांधे हैं, क्योंकि मुझे कपड़े फैलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये जो तार हैं ये मैंने दोबारा बांधे हैं, जिससे कि जो कपड़े हैं वो अच्छी तरीके से धूप में सूख जाएं।
तो कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच बीन और आलू की सब्ज़ी। कृष्णा के डैडी को बहुत पसंद है और मैं जल्दी ही खाना बनाने लगी थी क्योंकि सुबह भी वो ऐसे ही निकल गए थे बिना खाए। तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ तड़का। तो तेल में मैंने डाल दी है 2 छोंक की मिर्च, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और जब ये चटक जाएंगे इसमें हम डाल देंगे प्याज जो कि मैंने लंबी लंबी काटी हुई है, साथ में ही फ्रेंच बीन और आलू डाल के इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही आंच पर मतलब फ्राई कर लेंगे, फ्राई टाइप कर लेंगे जैसे कि करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें मसाला कोई नहीं डाला है और जब तक ये फ्राई होते हैं मतलब तेल में, तो मैं तब तक आटा बना लूँगी। इससे जो मेरा टाइम है वो भी बच जाएगा और आटा भी बन जाएगा, इधर सब्जी में भी जितनी आँच लगनी है वो लग जाएगी। तो लीजिए आटा बन गया है मेरा और इधर सब्जी भी हो गई है। तो इसको घुमाकर मैं अब इसमें डाल दूंगी मसाले, वही अपने हल्दी, नमक, मिर्च। ज़्यादा मसालेदार ये वाली सब्ज़ी मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि इसमें आप जितने कम मसाले यूज करेंगे ये सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो मसालों को मिक्स करके अच्छी तरीके से मैंने कर दिया है कुकर का ढक्कन बंद और मैं साथ के साथ ही बस रोटी सेक दूँगी। इधर एक गैस पर रोटी बनने लग रही है, एक गैस पर सब्ज़ी बनने लग रही है। तो क्योंकि कृष्णा के डैडी का था मुझे कि वो आएंगे जल्दी, लेकिन वो शायद गुस्सा ज़्यादा थे तो वो नहीं आए। तो खैर देखिए, जब तक मैंने रोटी बनाई है तब तक सब्जी बन गई है। तो नीचे हल्का सा पानी था तो इसीलिए मैंने कुकर को खुला ही छोड़कर थोड़ी सी ये सब्जी में आँच लगा दी है और सब्जी बिल्कुल ऐसी बन के तैयार हो गई है जैसे कि कढ़ाई में बनती है। तो सब्जी हमारी हो गई है रेडी, रोटी भी हो गई है। तो ये थोड़ी सी दही रखी थी कल की, तो मैंने सोचा कि चलिए इसकी मैं लस्सी बना देती हूँ क्योंकि इस सब्जी के साथ लस्सी दही अच्छी लगती है। तो इसमें बूंदी थी, बूंदी वाले ये जो दही बची हुई थी कल, उसी में मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च डालकर उसकी लस्सी बना दी है। तो मैं बस उन्हीं का ही वेट कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि वो जल्दी से आ जाएं। तो सब्जी ली थी वही दे के गए थे सुबह, तो मैंने सोचा कि चलिए अब इनको मैं धो के रख देती हूँ। सुबह से इनको सैनिटाइज होने के लिए रखा हुआ था, तो सब्जियाँ थी इनको मैं रख रही हूँ धो के अब। तो फिर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ और मैंने खाना खा लिया है। तो उसके बाद मैं और तीनों बेटियाँ खाना खाने लगी है। सच में मन बहुत दुखी था क्योंकि मतलब मैंने मेहनत से खाना बनाया था और वो नहीं आए थे। खैर कोई बात नहीं, तो जी हमने तो खा लिया है खाना, मैंने और तीनों बेटियों ने, और कृष्णा भी उधर ही है, कृष्णा के डैडी भी उधर ही है, और ये आ गई है क्यूटो क्यूटो। तो उन के लिए भी खाना बना रखा था मैंने और उनके करके ही थोड़ा जल्दी किया था क्योंकि सुबह भी वो बिना नाश्ता किए चले गए थे चाय पी के पूजा करके। मैंने बोला भी था, मैंने कहा मैं रोटी बना दूंगी, वो कहने लगे कि नहीं बुटीक पे थोड़ा सा काम है तो इसलिए जल्दी जाऊंगा। और अब भी मैंने खाना वगैरह लगा के सब कुछ करके फ़ोन किया उनको, तो वो कहने लगे कि मैंने तो खा लिया है खाना उधर ही। अब मुझे ये नहीं पता कि वो गुस्से में खाया उन्होंने कैसे खाया, घर से तो नॉर्मल गए थे और बात भी इतनी नहीं थी आपस की कि जिसकी वजह से वो खाना उधर खाए या कुछ भी, शायद कुछ काम पड़ गया होगा। मैं ये नहीं कह रही कि गुस्से में थे, और उधर भी अपना ही घर है खा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सारी तैयारी कर रखी थी, उनकी पसंद की सब्जी बना रखी थी, उनको वो सब्जी बहुत पसंद है, उन्हीं की वजह से मैंने बनाई थी, ली थी स्पेशल सब्जी ली थी मैंने बाहर से खरीदी थी। तो खैर कोई नहीं, वो बोल रहे थे जब मैंने फ़ोन किया कि मैं शाम को खा लूँगा, वही कोई बात नहीं रख दे रहा। तो जी बस अब किचन का तो काम हो गया है और टाइम बच गए हैं 2:30, तो मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, कृष्णा यहाँ नहीं है, और बस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट करूँ। उसके बाद कपड़े वगैरह बहुत सारे हो रखे हैं, कपड़े धोए भी थे और प्रेस ख़राब हो गई थी तो प्रेस के कपड़े भी काफ़ी पड़े हैं, तो बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अपने कामों पर लगूँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो जी यहाँ मैं करने लगी हूँ प्रेस। प्रेस ख़राब थी कई दिन से, 3-4 दिन से प्रेस ख़राब थी, तो प्रेस नहीं हो पा रही थी कपड़ों पे, तो बस मुझे अपनी साड़ियों पे भी प्रेस करनी थी और कपड़े पड़े थे प्रेस के। तो जब मैं प्रेस कर रही थी मुझे नहीं पता लगा कि कृष्णा के डैडी कब आए होंगे क्योंकि मेरे दिमाग में कई चीज़ें चल रही थी, और जब औरत सोचना शुरू कर देती है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ये नहीं पता लगता। तो फिर जब वो मेरे लिए चाय लेके आए तभी मुझे पता लगा कि वो आ गए हैं घर पे। क्या कर रही है? फेशियल करने का क्या हाल बना रखा है?
सारी तब नहीं बना रखा है लड़ो तब मेरे साथ सारा दिन जी। और एक ये अलिविरिया ओलिविया है ओलिविया। वो बीच है वाह मुझे गुस्सा आया बहुत पहले ये प्रेस बाद में नहीं इसे मैं कर लूंगी आज ही कर लूंगी पर पहले काम करूंगी प्रेस खराब हो रही थी ना तो कपड़े पड़े बहुत सारे पहले प्रेस वो चाय पी के प्रेस करके कपड़े वो खाना खुना बना फिर रात को करूंगी आराम से फेशियल। अब गुस्सा ना होइयो देख बात साफ है मेरा दिमाग सुबह से खराब हो रहा है जब साफ गए यहाँ से स्कूल में कहूँ दुकान पर देखो अरे ना क्या करूंगी मैं ये तो आंखों पर रखने का काम आऊंगी रात को। उन्होंने अपने आप दिया भैया ने बढ़िया वाला भैया मैं सबसे टॉप कर देती है जो भी कंपनी लैक्मे पैक्मे सारी फैल है इसके सामने लैक्मे के तो फेशियल लगते ही नहीं। हाँ मैं नहीं करता चलो थैंक यू। तो जी अब हो गया है रात का टाइम। कृष्णा के डैडी को लेट आना था तो बच्चों ने और मैंने खाना पीना कर लिया था तो मैंने सोचा कि चलिए अभी टाइम है तो मैं फेशियल कर लेती हूँ। और मैं सही में बताऊँ मैं फेशियल करना भी चाहती थी क्योंकि कल यानी कि आज 5 अप्रैल को है मेरा बर्थडे और मुझे गुस्सा इस चीज़ का भी था कि किसी को याद नहीं था कि मेरा बर्थडे है किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। तो खैर मैं यहाँ पर कर रही हूँ फेशियल तो यहाँ पर मैंने ब्लीच की है ब्लीच को लगाकर मैं ब्लीच ज़्यादा देर नहीं रख सकती अपनी स्किन पे तो 5 मिनट ही मैंने मैक्सिमम रखी है। और उसके बाद ये लगा दिया है मैंने क्लिंजिंग जेल से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए मसाज की और उसके बाद मैंने इसको कर दिया है साफ क्योंकि कृष्णा को भी देखना होता है बार बार तो बस मैंने जल्दी जल्दी में ही फेशियल किया है टाइम नहीं लगाया है। तो क्लिंजिंग जेल के बाद यहाँ पर आ गया है स्क्रब तो उसके बाद मैं कर रही हूँ स्क्रब और स्क्रब के बाद है जेल तो स्क्रब के को साफ़ करने के बाद मैं कर लगाऊंगी अब जेल। तो ये जो फेशियल था इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा था वाइन फेशियल ये था तो बस वही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है जेल तो जेल की 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और अब मैंने लगाई है मसाज करीम जो मसाज क्रीम होती है तो मसाज क्रीम से मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मसाज की फेस की तो मैं तो बस ऐसे ही अपना कर रही थी मैंने कोई स्टेप वगैरह फॉलो नहीं किया है मसाज का। तो यहाँ पर मसाज क्रीम साफ़ करने के बाद मैं लगा रही हूँ फेस पैक और फेस पैक को रखना था 8 से 10 मिनट के लिए तो 8 से 10 मिनट रखने के बाद फेस पैक को मैंने जब वो हल्का सा हार्ड हो गया है तो मैंने उसको फिर साफ़ किया है टावल से। तो लीजिए यहाँ पर फेस पैक भी हो गया है ड्राई उसको मैं कर लूँगी साफ़ और लास्ट में बचता है सीरम तो उसको भी मैं स्किन पर लगाकर फाइनली मेरा फेशियल हो गया है पूरा और फ्रेश फ्रेश तो फील हो रहा है ग्लो वगैरह का तो नहीं पता आपको नज़र आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जी फेशियल कर लिया है मैंने खा पी के कृष्णा के डैडी नहीं आए हैं वो थोड़ा सा लेट आए थे बच्चों को छोड़ दिया था उन्होंने ईशु गुड्डू चली गई थी ये भी आ गई हैं वापस से तो बस अब थोड़ा सा सोच रहे हैं कि बाहर घूम ले क्योंकि कृष्णा इस टाइम घूमता है आज आज कृष्णा नहीं दिखा किचनू भी हो रही तो ये कृष्णा को अब थोड़ी सी करनी है बाहर भागी क्या करना कृष्णा को क्या करना तो जी बस मैं इसको करवाऊंगी भागी और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर ले ठीक है क्या दीदी को सब्सक्राइब करो देखो दोस्तों क्या हेलो दोस्तों तो जी चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय।